स्वागत है तन्मय साइड पर मेजी बाजी। और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह मुंबई में। बने रहो, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। हम लोग खाने जा रहे हैं चीज बर्स्ट डोसा। अब वो एक ऐसा डोसा, इंटरेस्टिंग डोसा है कि उसके अंदर भर भर के चीज़ है। मतलब वो बहुत ही अमेजिंग है, पर वो डोसा तो है कि नहीं है पता नहीं। वीडियो पूरी देखो, आपको समझ आ जाएगा कौन सी जगह है, कहाँ की बात कर रहा हूँ। घाटकोपर खाऊ गली में जाने वाले हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो जाके लाइक नहीं करी तो फटाफट जाके वीडियो लाइक करके कुछ बढ़िया सा कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने सबसे आज तक वियर्ड डोसा कौन सा खाया। बिकॉज मुंबई में मैंने बहुत उल्टे सीधे डोसे खाए और बहुत ऑथेंटिक डोसे भी खाए, पर सबसे वियर्ड उल्टा सीधा डोसा और यमी सबसे ज़्यादा यही था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। तो ये हम लोगों का आ गया पार्ट 5, जो फ्रेंच फ्राइज के साथ है, चीज़ बर्स्ट डोसा। आप इसके अंदर देख सकते हैं लिक्विड चीज़ है, अंदर वेजीज़ है और इसके अंदर पास्ता सॉस है और बहुत सारी चीज़ें और हैं। अनलिमिटेड सांभर है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सांभर मंगवा लिए। यहाँ पे फलूदा है, विच इज़ गड़बड़ फलूदा। इसके अंदर बहुत सारी मिक्स चॉकलेट्स हैं। आप यहाँ पे फ्लैक्स सीड देख सकते हैं, यहाँ पे रबड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप की आइसक्रीम देख सकते हैं, अनारदाना। और यहाँ पे हम लोगों ने छास मंगवाई है। और यहाँ पे मेरे साथ ऋषप्रीत है जो फ्राइज खा रहा है और मैं कुछ नहीं खा रहा अभी, बिकॉज अभी मैं शूट कर रहा हूँ पैट बॉय। और यहाँ पे चटनी है। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। अब तू देखेगा और मैं खाऊँगा। तो हम लोगों का पार्ट 5 चीज़ बस डोसा आ चुका है। लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सांभर से एंड लेट्स सी इफ इट इज एनी गुड। डिसेंट। आई विल पिक दिस वन। ऑल चीज, नथिंग एल्स। हां, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क। ओह, इट्स हेवी। भारी है। Yeah, so it's heavy. I can do my gymming with this. Pure milk. Definitely good stuff. Okay. Going for the first bite. बहुत मैसी होने वाला ये। हाँ, आई थिंक मैं इसको एक सैंडविच की तरह खाता हूँ, लाइक अ बर्गर
बर्गर डोसा लेट्स ईट इट लाइक जंगली जानवर अभी आई एम एक्टिंग लाइक अ फॉरनर एंड आई डोंट नो हाउ टू ईट डोसा मुझे नहीं पता डोसा कैसे खाते हैं ये फॉरनर्स ऐसे डोसा खाते हैं ये डोसा हम डोसा खाएंगे It's just cheese and nothing else. Oh man. This is really delicious, but this is not a pizza. Oh, not a dosa. This is something else. Sambar shots. Ah. Oh man. So, yahan pe inke cheese ball dosas are super famous. Hum log abhi Ghatkopar khao gali mein. Aur mere haath ho gaye bahut gande. तो हम लोग अभी घाटकोपर खाऊ गली में और हम लोग आए हुए हैं PMSC प्योर मिल्क एंड स्नैक सेंटर में। यहाँ पे चीज़ बहुत डोसा बहुत फेमस है, इतने फेमस है कि यहाँ पे इन लोगों ने 6 पार्ट बना रखे हैं। अलग अलग पार्ट के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, किसी पार्ट में पास्ता है, किसी पार्ट में वेजिटेबल्स है, किसी पार्ट में फ्राइज हैं और हर पार्ट में भर भर के लोडेड चीज़ है। प्राइस वाइज मेरे को जितना बताया गया है, हम लोग अभी अंदर बैठे हुए हैं एसी में, अंदर वाले सेक्शन में। यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव है अगर आप बाहर बैठे हो तो। और आपको ये जो चीज़ बस डोसा है ये आपको 2 ऑप्शन पे मिलता है। एक होता है स्मॉल ऑप्शन जिसमें आपको 3 पीस मिलते हैं, एक होता है डबल ऑप्शन। अगर आप 3 या 4 लोग आओ तो आप डबल ऑप्शन खा सकते हो। वेरी वेरी फिलिंग बिकॉज चीज़ भर भर के डाला हुआ है, भर भर के चीज़ डालो। वेरी रिसोर्सफुल टेबल, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भर भर के चीज़ डाला हुआ है तो ये बहुत हैवी हो जाते हैं। और हम लोगों ने इसके साथ मंगवाया है लस्सी छास, सॉरी साउथ इंडियन छास। बहुत सही, बढ़िया कड़ी पत्ता का फ्लेवर आ रहा है। इट्स जस्ट सो फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग एंड फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम लोगों ने एक संडे भी मंगवाया है जिसका नाम है गड़बड़। अब इसके अंदर कितनी गड़बड़ है, लेट्स फिगर इट आउट। ए लेट्स कहाँ तक मैं स्पून डाल सकता हूँ बता, कौन से पॉइंट तक? यहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक गया तो आप लोग कमेंट करते हो कि कैमरामैन को भी खिलाया करो। स्पीक कैसा लग रहा है तेरे को कैमरा पकड़ के? हाँ फ्राइज आर वेटिंग। ओ सी ओ आई एम डूइंग सम जुगलबंदी हेयर गड़। प्लीज़ इस गड़बड़ के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना और अच्छा से एक कमेंट करके मुझे बताना कि आप कितने गंदे तरीके से खाना खाते हो, बिकॉज मैं स्पून मोस्टली ऐसे ही खाता हूँ। अब मन कर रहा है घर जाऊँ और बस सो जाऊँ। अच्छा खाना मिल जाए ना तो जीवन का ना, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता। पर बैड जोक्स एंड डिलीशियस वेजिटेरियन फूड फॉलो वेजी पाजी। अब तो अंग्रेजों की तरह खाएगा, शर्म नहीं आती तेरे को अंग्रेजों की तरह खाते हुए? व्हाट आर यू इवन डूइंग, इज दिस हाउ यू ईट अ डोसा? ऐसे खाते हैं डोसा? ऐसे बनाते हैं डोसा? वैसे ये बात तो सही है, ऐसे डोसा कौन बनाते हैं? दिस इज नॉट इवन अ डोसा, दिस इज डिलीशियस बट दिस इज नॉट अ डोसा। जस्ट चीज एंड नथिंग एल्स।
अच्छा वेट टिश्यूज है क्या? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये डोसा कैसा लगा और क्या ये डोसा सही में अलग था कि नहीं था, और ये गड़बड़ कैसी लिखा, बिकॉज गड़बड़ भी रबड़ी फलूदा था, बहुत अमेजिंग थी और बहुत यमी थी, मज़ा आ गया उसको खा के। ऐसे ही चैनल पे वेजिटेरियन खाने की वीडियोस आती है हफ्ते में 4 बार, तो उसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तन्मय फ्रॉम विजी बाजी अभी निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में। अभी तो मैं कोलकाता में हूँ और व्यू देखो आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है कोलकाता में। अभी तो मैं कोलकाता में हूँ, इसी बार वेजिटेरियन खाने की तलाश में निकलता हूँ और आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय नाउ।